अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, जो सबको सबके लिए यानी कि चीज़ें वगैरह लेनी है, फॉर एग्जांपल हलवे हो गए और पतीसे वगैरह और खाने पीने की चीज़ें मीन्स कि निमको शिमको, तो अभी हम वो लेने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भी प्लान होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आज एक प्लान तो हमने बनाया, मैंने जब भी बताया ना प्लान हुआ नहीं, फिर मैं वो क्लिप निकाल देती हूँ। सो वैसे आज बता दूँ, हमारा कराची में लास्ट डे है, आज़ाद की हमारी जो है ना टिकट्स हैं रात 10 बजे की। तो अभी बस मैं और शिजा जा रहे हैं, पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ लिया और बस अभी निकलते हैं। मे बी मैं कुछ दिखाऊं, मे बी मैं कुछ ना दिखाऊं, और सेकंड वाला जो प्लान होगा ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉपरली। सबसे पहले जी हम लोग पहुंचे दिलपसंद बेकरी पे। वैसे तो वी हैव टू ऑप्शंस, एक रहमत शीरीन जहाँ पर हम लोग, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था जहाँ से हमने मीठा जो है ट्राई किया था कुल्फ़ी वगैरह, वहाँ की भी बहुत अच्छे सुने तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी है। एंड सेकंड वी हैव दिस दिलपसंद, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ की जो डिमांड थी वही चीज़ हमने लेके जानी थी। तो हमें बोला गया था दिलपसंद बेकरी के ही हलवे और दिलपसंद बेकरी के ही पतीसे वगैरह लेकर आने हैं। सो फिर हम लोग पहुँच गए दिलपसंद बेकरी पे। कराची की बहुत फेमस बेकरी है। वैसे ये अंकल बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे, इन्होंने हमें बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें भी ट्राई करवाई और हमें रेकमेंड किया कि आप ये लेकर जाएं, ये लेकर जाएं, और जो जो भी हमारी लिस्ट में था जिस जिसने जो जो फरमाइश की थी वो सारा कुछ हमने फिर फाइनली पैक करवाया। ऑब्वियसली लास्ट डे है और इतनी दूर कराची है तो कुछ ना कुछ तो कराची की सौगात लेके जाना बनती है। शहजाद ने जो है वो मिक्स निमको का सुना हुआ था, हमने वो भी ली। और शॉपिंग करने के बाद, घर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड अब हम लोग आए हैं सी व्यू। पिछले जिस दिन से मैं आई ना उतने दिनों से मैं रोज़ ट्राई करी, आज जाती हूँ, लेकिन काम इतने सारे हो जाते थे और फिर अंधेरा हो जाता, फिर मैं कहती थी अब नहीं मैंने जाना सी व्यू, मैंने दिन में जाना है ताकि मैं कुछ देख सकूँ। तो फाइनली हम लोगों ने मतलब कामयाब हो गए हैं हमारे में। बाकी मूड तो मेरा किसी और बीच आने का था, टर्टल बीच वगैरह, बट हमारे पास टाइम कम था, हम थोड़े दिनों के लिए आए थे तो इसलिए अब बस चल चल के जो है ना हम जा रहे हैं सोना तक। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें ही बैठेंगे अभी, और शहजाद फर्स्ट टाइम आए हैं, शहजाद जो है वो अब आगे आगे चल रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं अपना। अब हम भी चलते हैं और चल के सदा देखते हैं क्या चेंजिंग्स हैं और क्या सीन है। मुझे जानवर बिल्कुल ही पसंद, उन पे तो मैं कभी भी नहीं बैठूंगा, मैंने उनको बड़ा कहा है, बट वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, बट इस पे बैठने के लिए वो बिल्कुल ही माने। तो मैं अकेली बैठ गई, मैं कहा मैं आई हूँ मैं तो ज़रूर बैठूंगी। ऊँट को तो समुंदर का जहाज़ बोला जाता है। तो हम लोग आए थे लाइक 4 ईयर्स पहले, तब हम सब बैठे थे तो बहुत मज़ा आया था। तो अब मैं कहती हूँ कम मज़ा आ रहा है, क्योंकि फैमिली के साथ ज़्यादा लोग होना तो ज़्यादा मज़ा आता है। शायद मेरे से बैठे नहीं है, मैं अकेली बैठे की तरह को इंजॉय कर लूँगी।
उसके बाद जी हम लोग आ गए डॉलमन मॉल। वैसे तो मैंने लकी वन मॉल जाना था बट मेरे पास टाइम नहीं था, और क्योंकि ये बिल्कुल सी व्यू के करीब है सो वी थॉट कि चलो डॉलमन मॉल चलते हैं, चलो शहजाद तो कोई ना कोई मॉल देखें। वैसे डॉलमन मॉल मैंने पहले देखा हुआ है बट मैंने लकी वन मॉल अभी तक नहीं देखा था, बट फिर भी अब हमारे पास यही ऑप्शन थी तो फिर हम यहाँ आ गए। पहले हमने सोचा कि जस्ट यहीं पर खाते हैं, लेकिन फिर हमने जो है ट्रेन के लिए भी जो है खाना पैक करवा लिया। रहा जी हमारा ऑर्डर, पहले हम टेक अवे करवाने लगे थे लेकिन फिर हमने जो है ना सोचा कि यहीं पर खा लेते हैं। ये मेरी ड्रिंक है फैंटा, और वो शहजाद की ड्रिंक है कोक, एक मेरा बर्गर है एंड एक शहजाद का बर्गर है। लेट मी शो यू, बर्गर कहाँ गया? अच्छा छुपा हुआ। दिस इज़ द बर्गर। इसी का सफ़र हो गया शुरू, कराची का सफ़र छोटा सा था, इख्तिताम पे पहुँचता है। बस हम लोग घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, आगे आगे कुली अंकल जा रहे हैं, पीछे पीछे शहजाद जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ। ये रहा हमारा डब्बा, जाते वक्त मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकती ट्रेन के बारे में, सो मैंने कहा चलो वापसी पे आपको दिखाऊंगी डिटेल में। ये जी इसका एसी पार्लर डब्बा है, ये न्यू ट्रेन है, इसके 3-4 डब्बे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के। सो ये बहुत ही मशहूर डब्बा है इसका एसी पार्लर, इसमें सीट्स हैं लेकिन हमने इसकी सीट्स नहीं ली क्योंकि कम्फर्टेबल नहीं है, बंदे को लाइक बर्थ चाहिए होती है। सेकेंडली ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बिजनेस क्लास की है, इसमें आपको क्लोज डोर मिलते हैं, बिल्कुल सेपरेट कैबिन होता है, इसमें हमें सीट्स नहीं मिली थी। यहाँ पर हमने जनाब अपना मैकडोनल्ड्स खाना स्टार्ट कर दिया ट्रेन में। अच्छा तो मैं ये बता रही थी कि हमें सीट्स नहीं मिली जाते वक्त क्योंकि 7 का मेला था और हमें बुकिंग ही नहीं मिली थी, बट हमारा जाना बहुत ज़रूरी था उन स्पेसिफिक डेट्स के अंदर। सो फिर हमें जहाँ पे भी सीट्स मिली हम उसी में, हम लॉयर ऐसी की हमें सीट्स मिली हम उसी में चल पड़े। खैर ये खाना है, मैं आपको डिटेल में अब रिव्यू दूँगी। खाने में आपको नान, उसके साथ आपको दाल मिलती है, साथ में आपको कढ़ाई का सालन मिलता है और साथ बिरयानी मिलती है और एक गुलाब जामुन मिलता है। अगर मैं इसको 10 out of 10 marks दूँगी तो मैं इसको 6 marks दूँगी, लाइक इतना मज़े का खाना नहीं है, ऊपर से ये ठंडा होता है। सेकेंडली नाश्ते के अंदर आपको जो है ऑमलेट दिया जाता है, साथ में 2 slices के ब्रेड दिए जाते हैं, 2 bread के slices दिए जाते हैं और एक आपको बटर दिया जाता है, एक आपको जैम दिया जाता है और साथ में चाय का सामान दिया जाता है। चाय का सामान बहुत ही बेकार होता है लेकिन जो ये खुद चाय बनाते हैं ना वो बहुत अच्छी होती है, सो आप वो डायरेक्टली बाय करके पी लो, वो पैसों की होती है। खैर साथ में इन्होंने एक ये किट दी है, इसको आप शेविंग किट कह सकते हो, आप क्लीनिंग किट कह सकते हो, वट एवर यू कॉल इट। इसमें आपको एक कॉम दी जाती है, एक सैनिटरी बैग दिया जाता है ताकि आप कुछ भी इसमें फेंक सको, रैप करके अपना जितना भी लिटर है वो आप उसमें डाल दो। साथ में आपको एक रुमाल दिया जाएगा, शू मिट जिस पर लिखा हुआ है, एक नैपकिन, साथ में आपको जो एक टूथब्रश और एक पेस्ट दी जाएगी। लेट मी शो यू ये किस कंपनी की पेस्ट है, ये है जी डेंटोनिक की पेस्ट, और साथ में आपको दिया जाता है एक रेज़र और एक शेविंग क्रीम, यानी कि एक पूरा आपको एक किट दी जाती है कि अगर आप, क्योंकि ऑब्वियसली कराची का सफ़र काफ़ी लंबा है सो फिर आप जब सुबह उठेंगे तो आपको वॉशरूम में जाना होगा, ये सारी चीज़ें आप इजीली जो हैं यूज़ करके फ्रेश हो सकते हैं। व्लॉग यहाँ पर हम कराची की सीरीज़ को एंड करते हैं, मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैंने कहा था कि ऑन फ्रेश रिकॉर्ड करूँगी जब भी मैं इसको एडिट करूँगी, तो एडिट तो ये बहुत लेट हो रही है, बट आई होप आप लोगों को जो है ये पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपना सफ़र, अपनी ट्रेन का रिव्यू, खाने का रिव्यू और शॉपिंग का, घूमने फिरने का, कराची का ओवरऑल रिव्यू आप लोगों के साथ दे सकूँ, आपको सब कुछ दिखा सकूँ जो जो मैंने किया है, क्योंकि हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गए थे, बहुत ज़रूरी काम था। एक वो क्या काम था वो भी मैं आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिवील करूँगी, आपको बताऊँगी, बहुत ही मज़े की चीज़ है। सो आई होप आप लोग को जो है ये सब कुछ पसंद आ रहा होगा, सो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप और अपना जो है फीडबैक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें, और मुझे तो उम्मीद देखेगा मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।